फ्रेंड्स, मैं कुसुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सलवार की कटिंग करना बताऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने सलवार का कपड़ा ले लिया है। इसकी लंबाई है 38 इंच। इसकी लंबाई है 38 इंच। हम 3 इंच प्लस करेंगे, हो जाएगा 41 इंच। अब इसमें से हम 8 इंच माइनस करेंगे, जो बेल्ट ऊपर लगता है, हो जाएगा 33 इंच। हम 35 इंच का साइड वाला पार्ट्स काट लेंगे, 35 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा। तो हमने 4 लेयर में कर लिया है कपड़ा, 4 लेयर में है। पहले हम 33 इंच आ रहा है, हम 1 इंच ज्यादा बढ़ा लेंगे क्योंकि कभी कभी सिलाई में ज्यादा हो जाता है, तो हम यहाँ 34 इंच ले रहे हैं। अब इसे हम काट लेंगे। ये हमारा पार्ट्स निकल गया। साइड वाला फोल्ड में हमारा 32 इंच कपड़ा बच रहा है, इसमें से हमको निकालना है 8 इंच का बेल्ट निकालना है और कली निकालना है। अब हम बेल्ट निकालेंगे। हिप है 36 इंच, तो 36 का आधा 18 होगा। इसमें हम 5 इंच प्लस करेंगे, हो जाएगा 23 इंच। अब हम 23 इंच का बेल्ट निकालेंगे प्लस आधा 1 इंच सिलाई के लिए, आधा इंच इधर जाएगा सिलाई में, आधा इंच इधर जाएगा। तो हमने 24 पर मार्क लगा लिया है। अब 24 इंच डबल फोल्ड में लंबा और 8 इंच चौड़ा हम बेल्ट निकालेंगे। यहाँ तक हमारा 24 इंच आ रहा है, 24 इंच। हम बेल्ट को निकाल लेंगे। हमने बेल्ट निकाल लिया। अब 23 इंच, 22.5 इंच हमारा कपड़ा बच रहा है, इसमें से हम कली निकालेंगे। हमने 9 इंच पर यहाँ पे मार्क लगा दिया है, इस साइड से भी हम लगा लेंगे। अब आधा इंच हम इधर से लगाएंगे और आधा इंच इधर से भी। देखो इधर दिखाओ। अब इधर से हमने आधा इंच पर निशान लगा लिया है। अब ऐसे हम तिरछा काट लेंगे। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे, आधा इंच इस तरह से काटेंगे, फिर उसके बाद तिरछा काटेंगे। अब यहाँ से हम खोल देंगे।
चारों कली हमारी तैयार हो गई। अब सलवार की कटिंग कुछ इस तरह की आ रही है। अब इसमें नीचे हम मोहरी बनाएंगे। अब इसे हम सिलेंगे। स्टिचिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।